सभी को जयसु। जयसु। स्वागत है आपका और एक बार प्रभु की स्तुति और आराधना में, प्रभु की पवित्र उपस्थिति में इस समय हम आए हैं और एक एक वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद देना उचित है, क्योंकि ये सांसें जो हम ले रहे हैं उसी के हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 और 2 में हम पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। प्रारंभ में पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ठीक इसी प्रकार हम आगे पढ़ते जाते हैं कैसे प्रभु ने सृष्टि की और अलग कर दिया। पानी एक जगह उसने एकत्र कर दिया, छत का पानी यानी आसमान में जो पानी वो सब एकत्र कर दिया, और इसी प्रकार पशु पक्षी पेड़ पौधे बनाए, और अंत में उसने मनुष्य को बनाया और मनुष्य को उसने अपने प्रतिरूप में बनाया, और 6 दिन में उसने अपना कार्य समाप्त किया और 7वें दिन प्रभु ने विश्राम किया। ये जिंदगी जो हम जी रहे हैं वो प्रभु की है, ये सांसें जो हम ले रहे हैं वो प्रभु की हैं, ये जान और प्राण जो हम में है वो प्रभु का है, ये आत्मा जो है हम में वो प्रभु की है, प्रभु ने हमें दी है। इसलिए नहीं कि हम अपनी मनमानी करें, बल्कि इसलिए कि हम उसका स्तुतिगान करें। इसलिए हमें शरीर नहीं दिया गया कि हम इस शरीर पर घमंड करें, बल्कि यह शरीर पवित्र आत्मा की महिमा के लिए दिया गया हमें। पर प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया है और एक आत्मा दिया है जो प्रभु अपने लिए ही चाहता है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है सभी आत्माएं मेरी है। अगर आप कुरंथियों का पहला पत्र अध्याय 3:16 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो हम में अपना कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु का है। इसलिए उसकी तारीफ करना, उसकी महिमा करना, उसकी आराधना करना हमारा कर्तव्य है। तो इस समय हम आइए प्रभु के आदर में गीत गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे और भक्ति में लीन हो जाएंगे। एक गीत है, येसु जी येसु जी येसु जी करा मैं बंदगी तेरी। बंदगी का अर्थ होता है मैं तेरी महिमा करता हूँ, तेरा गुणगान करता हूँ, तेरी भक्ति करता हूँ। तू मेरी जान है, मेरा ईमान है, तू मेरी हर खुशी है। तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ होना चाहिए। कुरंथियों के पहले पत्र अध्याय 10:31 में संत पौलुस कहते हैं आप चाहे खाएं या पिए या जो कुछ भी करें, सब परमेश्वर की महिमा के लिए किया करें। तो हमारे शरीर का एक एक अंग प्रभु की महिमा के लिए होना चाहिए। ये अंग जो हम इस्तेमाल करते हैं प्रभु की महिमा के लिए करना चाहिए। जीभ हमारी प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। कान हमारे, हमारी आंखें, हाथ पैर, सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए होना चाहिए। तो आइए हम प्रभु के आदर में गीत गाएंगे, प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। तालियां बजाते हुए बड़ी खुशी और आनंद के साथ प्रभु की आराधना इस समय हम करेंगे। तू दित्ती जिंदगी मैनू, जीवा मैं तेरे लई। येसु जी येसु जी येसु जी करा मैं बंदगी तेरी। येसु जी येसु जी येसु जी करा मैं दित्ती जिंदगी मैनू, तू दित्ती जिंदगी मैनू, जीवा मैं तेरे लई। येसु जी येसु जी येसु जी करा मैं बंदगी, बड़ी खुशी और आनंद के साथ। येसु जी येसु जी येसु जी करा मैं येसु दित्ती जिंदगी मैनू, येसु दित्ती जिंदगी मैनू, जीवा मैं तेरे लई। येसु जी करा मैं
यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करा मैं करा बंदगी तेरी। तू मेरी जान है, मेरा ईमान है। मेरी जान है, मेरा ईमान है। तू मेरी जान है, मेरा ईमान है। तू मेरी हर खुशी गाए, तू मेरी हर खुशी। तालियां बजाते हुए गाएं। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करा मैं करा बंदगी तेरी। तू दित्ती जिंदगी मैनू, तू दित्ती जिंदगी। जीवा मैं तेरे लई। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करा मैं करा बंदगी तेरी। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है। जो बोले बोलूं मैं वही गाइए। तू जो बोले बोलूं जोरदार ताली बजा के एक साथ। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करा बड़े आनंद के साथ। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करा मैं करा बंदगी तेरी। तू दित्ती जिंदगी मैनू, तू दित्ती जिंदगी मैनू। जीवा मैं तेरे लई। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करा मैं करा बंदगी तेरी। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। काम पूरा तूने सारा किया है। काम पूरा तूने सारा किया है। काम पूरा तूने सारा किया है। छोड़ा ना अधूरा कुछ भी, छोड़ा ना अधूरा कुछ भी। एक साथ मिलके गाएं। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करा मैं करा बंदगी तेरी। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करा मैं करा बंदगी तेरी। तू दित्ती जिंदगी मैनू, तू दित्ती जिंदगी मैनू। तू दित्ती जिंदगी मैनू, तू दित्ती जिंदगी मैनू। जीवा मैं तेरे लई। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। सब लोग मिलकर तालियां बजाते हुए गाएं। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करा मैं भक्ति में लीन हो जाएं। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करा मैं करा बंदगी तेरी। तू दित्ती जिंदगी मैनू, तू दित्ती जिंदगी मैनू। जीवा मैं तेरे लई। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। तालियां बजा बजा के। करा मैं करा बंदगी तेरी।
यीशु जी करा बंदगी तेरी यीशु जी करा मैं गाइए यीशु जी करा मैं बंदगी तेरी महिमा तेरी जय जयकार तेरी यीशु जी करा मैं बंदगी तेरी यीशु जी करा मैं बंदगी तेरी करा मैं बंदगी तेरी करा मैं बंदगी तेरी करा मैं बंदगी तेरी। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। मुंह खोलकर बोलिए हालेलुया हालेलुया। यीशु को धन्यवाद यीशु की आराधना हो यीशु की महिमा हो यीशु की जय जयकार हो हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जिंदगी जो है हमें प्रभु ने दी है, और इसके अंदर जो प्राण है, जो आत्मा है, वो सब का सब प्रभु ने दिया है। लेकिन क्या हुआ कि ईश्वर ने जिंदगी तो दी, ईश्वर ने प्राण तो दिए, ईश्वर ने नथनों में श्वास तो फूका, आत्मा तो दिया, लेकिन प्रज्ञा ग्रंथ अगर आप पढ़ेंगे अध्याय 1:21 में, वहां पर लिखा है शैतान की ईर्ष्या के कारण मृत्यु संसार में आई। ईश्वर ने पहले जब रचना की थी उस समय जीवन दिया था, हर किसी को जीवन दिया था, आदम हेवा को जीवन दिया था, मनुष्यों में जीवन था, लेकिन शैतान ने इस बात से ईर्ष्या की और इसके कारण मृत्यु संसार में आई। वचन कहता है तो मृत्यु शैतान के द्वारा आ गई और लोग मरने लगे, बीमार होने लगे, स्वर्गराज से वंचित हो गए, स्वर्ग का दरवाजा उनके लिए बंद हो गया, ईश्वर के पास वे जा नहीं सकते थे, ईश्वर से दूरी हो गई, कोई उन्हें बचाने वाला नहीं था, कोई उन्हें मुक्ति दिलाने वाला नहीं था। तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि चलो जानवरों की बलि चढ़ा के परमेश्वर को खुश करते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नबी इसाईस के ग्रंथ अध्याय 1 में, वहां पर प्रभु कहते हैं तुम्हारे सांडों और बकरों की बलि से मैं तंग आ गया हूं, मैं तुम्हारी ये बलियां नहीं चाहता। इसका मतलब है कि परमेश्वर उन बलियों से प्रसन्न नहीं हुआ। अब ईश्वर और मनुष्यों के बीच में पाप था, उस पाप को मिटाना था, उस दीवार को तोड़ना था, लेकिन संसार में ऐसा कोई नहीं था जो कि उस दीवार को तोड़ पाए, उस दरार को मिटा पाए या उस गैप को भर सके। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु को इस धरती पर मानव रूप लेकर उतरने दिया। और अगर आप वचन में पढ़ेंगे रोमियो के पत्र में, वहां पर लिखा हुआ है ईश्वर ने हमें पहले प्यार किया, हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए। तो मसीह किनके लिए मरे? मसीह पापियों के लिए मरे। जितने भी संसार में पापी थे, पापी हैं, और जितने भी पीढ़ियां आने वाली हैं जब तक संसार रहेगा, उन सब के खातिर मसीह यीशु बलिदान हो गए। और प्रभु ईश्वर चाहते हैं कि हर व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करे, उसके पुत्र यीशु में विश्वास करके मुक्ति प्राप्त करे। अगर आप पढ़ेंगे रोमियो का पत्र अध्याय 3:25, वहां पर लिखा है ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। इस वचन को मेरे पीछे दोहराएंगे, बोलिए प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को दोहराएंगे, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे
करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें हालेलुया हालेलुया। तो यीशु की मृत्यु से जो हमें मिला है, जो आशीषें हमें मिली हैं, वो कैसे प्राप्त होंगी? विश्वास के द्वारा। आज भी वो ईश्वर पुकार रहा है। आदि में उसने पुकारा, आदम तुम कहां हो? आज हर इंसान जो पाप में गिरा हुआ है, उसे परमेश्वर पुकार कर पूछ रहे हैं, तुम कहां हो? उसने आदम को पुकारा, आदम तुम कहां हो? आदम ने जवाब दिया, प्रभु ईश्वर मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया और मैं छिप गया। मनुष्य आज छिप रहा है ईश्वर से, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, अपने हृदय में जो भरा पड़ा है कड़वाहट, उसको छिपाने के लिए ईश्वर से छिपता है, ईश्वर के पास नहीं आता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ईश्वर जो कि दयालु है, हमें माफ करने के लिए तैयार है, उसके पास आइए। अगर आप दिल से दुखी हैं, अपराध बोझ से दबे हुए हैं, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु बुलाता है, यीशु आपको बुला रहा है, छिपो मत। अगर आपने पाप किया है तो प्रभु ईश्वर से भागो मत, बल्कि प्रभु के पास आओ, क्योंकि उसी में जीवन है, उसी में उद्धार है। अपनी आंखें बंद कीजिए इस समय, यीशु आपको बुला रहा है। आपके दुखी हृदय को प्रभु ने देखा है, आपको शांति देने के लिए प्रभु बुला रहा है, आपके पापों की माफी देने के लिए प्रभु ईश्वर बुला रहा है, आपके आंसू मिटाने के लिए प्रभु ईश्वर बुला रहा है, आपके दुखित दिल को, आपके चोटों से भरे दिल को प्रभु चंगा करने के लिए आपको बुला रहा है। आपको प्रभु के पास आना है, आपको प्रभु की शरण में आना है। नबी इसाईस के ग्रंथ अध्याय 1:18 में प्रभु कहते, तुम आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप लाल सिंदूर की तरह क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम के समान उज्ज्वल बनाऊंगा, मैं उन्हें हिम के समान उज्ज्वल बनाऊंगा। प्रभु ला रहा है। आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। वो बुला रहा है, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। और एक बार मिल, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। और एक बार मिलकर गाएं, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको मिलने, यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देख
देगा शांति तुम्हें दुख की गहराइयों में, देगा शांति तुम्हें, सो समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें, सो समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। मिलकर गाएं, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। अगर तेरा दिल दुखित हो वो शांति देगा तुम्हें, अगर तेरा दिल दुखित हो वो शांति देगा तुम्हें, यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी है, संकोच मिटा के आओ अभी, यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी है, संकोच मिटा के आओ अभी, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तू, यीशु आपको बुला रहा है, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, हो यीशु बुलाता तुम्हें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, इस समय मैं प्रार्थना करता हूं इन तमाम लोगों के लिए जो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, प्रभु इन सभी पर दया कीजिए। आप नाम ले लेकर इनमें से हर एक को बुला रहे हैं, आप इनमें से हर एक को आवाज दे रहे हैं, प्रभु इन्हें कृपा दे कि ये तेरी आवाज को पहचान सके। जैसे जकयूस ने तेरी आवाज को पहचान लिया, मत्ती ने तेरी आवाज को पहचान लिया, एलियाह ने तेरी आवाज को पहचान लिया, मूसा ने तेरी आवाज को पहचान लिया और वे तेरे पीछे चले आए, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इनमें से हर एक को ये कृपा मिले कि तेरी आवाज को पहचान कर तेरे पीछे चले आए। जकयूस के समान बड़े आनंद के साथ तेरा स्वागत करें। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय यीशु आपको बुला रहा है, दोनों हाथों को खोले हुए यीशु आपको बुला रहा है, आपको चंगा करने के लिए, आप पर दया करने के लिए, आपके पापों को माफ करने के लिए, आपके घायल दिल को चंगा करने के लिए, आपके चोटों से भरे शरीर को चंगा करने के लिए, आंतरिक घावों को चंगा करने के लिए, शैतान से छुड़ाने के लिए यीशु आपको बुला रहा है, आपकी उदासी को दूर करने के लिए, आपके आंसू मिटाने के लिए, आपको गले से लगाने के लिए, आपकी घबराहट को दूर करने के लिए, आपके कर्ज और बीमारी गरीबी को दूर करने के लिए यीशु आपको बुला रहा है। चले आइए, चले आइए, चले आइए, यीशु के पास चले आइए, यीशु के करीब चले आइए।
यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, कही यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, हो यीशु बुलाता। प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम पर इस समय मैं प्रार्थना करता हूं आपके घाव चंगे हो जाएं, आपकी आंतरिक चोटें चंगी हो जाएं, आपके आंसू पोंछ डाले जाएं, आपके दुखों की गहराइयां इस समय पाट दी जाएं, आपका दुखी दिल इस समय ठीक हो जाए, आपके दिल में जो बातें हैं वे प्रभु के सामने इस समय निकल कर आएं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इस समय जो टूटे हैं उन्हें जोड़ दे, जो घायल हैं उन्हें चंगा कर, जो अकेले हैं उनका साथ दे, जो बीमार हैं उन्हें चंगा कर। प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम पर अब्बा पिता इस समय इन्हें छूइए, इनमें से एक एक को स्पर्श कीजिए, इनमें से एक एक की भलाई कीजिए, इनमें से एक एक की गरीबी को दूर कीजिए, इनमें से एक एक के कर्ज को माफ कीजिए, इनके पुराने पापों को माफ कीजिए, गुप्त पापों को माफ कीजिए। प्रभु इन्होंने जो अनजाने में किया उन्हें माफ कीजिए, इनके पाप के कारण जो बंधन है यीशु मसीह नाजरी के नाम पर इसी समय वो बंधन खुल जाए, पूर्वजों के बंधन खुल जाएं, पाप अभिशाप के बंधन खुल जाएं। प्रभु अगर किसी भी प्रकार से पहली आज्ञा के भंग के द्वारा इन पर बंधन है, यीशु मसीह नाजरी के नाम पर इस समय हम प्रार्थना करते हैं वो सारे बंधन खुल जाएं। यीशु के नाम पर आपको इसी समय अभिषेक मिले, आपके जीवन से हर बंधन इस समय खुल जाए। यीशु के नाम से निसंतानता का बंधन आपके जीवन से खुल जाए, गरीबी का बंधन इस समय खुल जाए। प्रभु यीशु का प्रकाश इस समय आपको मिले, प्रभु यीशु के पवित्र लहू के द्वारा आपका मन चंगा हो जाए, आपकी आत्मा ठीक हो जाए, आपका हृदय ठीक हो जाए। प्रभु यीशु का पवित्र लहू इस समय आपको धोए और शुद्ध करे, प्रभु यीशु का पवित्र लहू इस समय आपके पूरी बॉडी को धोए और शुद्ध करे, प्रभु यीशु का लहू इस समय आपको शैतान के बंधनों से छुड़ाए, प्रभु यीशु का पवित्र लहू इस समय आपकी जिंदगी को आबाद करे, प्रभु यीशु का पवित्र लहू इस समय आपको बुरी आदतों से छुड़ाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु के पवित्र नाम पर इसी समय आप भर दिए जाएं, इसी समय आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले। अब्बा पिता प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर इनके बीच में इसी समय चिन्ह और चमत्कार होने दीजिए, चिन्ह और चमत्कारों की वर्षा होने दीजिए। लेट देयर बी माइटी अनॉइंटिंग, लेट देयर बी फायर इन जीसस नेम। प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर इस आराधना में भाग ले रहे एक एक व्यक्ति को इसी समय अभिषेक मिले, अभिषेक मिले, अभिषेक मिले। यीशु के पवित्र नाम पर आत्मा का दान मिले। प्रभु यीशु तूने कहा है मेरा नाम लेकर तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। प्रभु इन सब लोगों को वही प्रदान कीजिए जो हमने मांगा है। हम बड़े विश्वास के साथ तेरे सिंहासन के सामने आते हैं अब्बा, तू हमारी प्रार्थना सुन। तेरे पुत्र यीशु मसीह नाजरी के नाम पर हम मांग लेते हैं। सब लोग बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। अपनी आंखें खोलिए प्रिय साथियों। इसी तरह से प्रार्थना में जुड़े रहें हमारे साथ, हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें। स्क्रीन पर नीचे जो नंबर दिए गए हैं आप उन पर अपनी प्रार्थना निवेदन या गवाहियां आप भेज सकते हैं। आप सभी पर प्रभु की बड़ी आशीष और कृपा बनी रहे। सबको जय सुखी।